जन्माष्टमी बहुत से लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत दूर से पैदल चल करके आए हैं प्रेम के साथ, गर्मी में, दोपहर में। कुछ लोग ऐसे भी जिनको बहुत लोगों ने रास्ते में कुछ कुछ बोला और फिर भी उनका ध्यान उस परमात्मा के ऊपर, उस परम सत्ता के ऊपर, वो परम सत्ता जिसका वेदों ने गुणगान किया। बहुत लोग जो हमारे ऋषि महंत, चर्चा भी हो रही थी इस विषय के ऊपर, उस परमात्मा को निराकार मान लेते हैं और वेदों में बोल देते हैं कि वेदों में निराकार परमात्मा का वर्णन है और साकार का वर्णन नहीं है। जितनी भी उनकी स्तुतियां की गई है, यानी प्रार्थना की गई है, सब निराकार परमात्मा की है। लेकिन अध्ययन के बाद जब आप एक एक शब्द को देखोगे, हमने भी खोज की है और करते रहते हैं, ये नहीं कि किया और ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब तक सांस चल रही है मानव को अभ्यास बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास छूट जाएगा तो फिर स्थिति नीचे ना भी आए, उसी में स्थित हो भी जाए, परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए, पूर्णता भी हो जाए, कुछ शेष भी न रहे, फिर भी उसके अंदर अभ्यास ना किया तो जो लोग सीखने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मात्र बोलने से सीख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ करके सीख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझाने से सीख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को, चरित्र को, ध्यान को, और जैसे रास्ते के ऊपर चल रहे हैं उसको देख करके सीखते हैं। कुछ लोगों के ऊपर बार बार अभ्यास कराया जाए तब वो सीखते हैं। तो जो सीखने की विधि है, इस संसार के अंदर अनेकों विधियां हैं, 200-250 विधियां कहूँगा, वो भी कम है, क्योंकि नई नई विधियां निकलती रहती हैं। नई भी क्या कहें, वो पुरानी विधियां उठ करके आती हैं और फिर दोबारा से शुरू हो जाती हैं क्रियाएं, ध्यान की, अभ्यास की, और उस अभ्यास के अंदर जब ये जीव प्रयास करता है, कुछ लोग इस संसार के अंदर बस इतना मान लेते हैं कि हमारा कर्म बस छोटे मोटे काम करना, गुजारे लायक कार्य करना, बस ये छोटी छोटी चीजें बस यही है। लेकिन कुछ लोग योग करते हैं कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम योगासन कर रहे हैं, हम संसार के कार्य कर रहे हैं,
उनको हम उस परमात्मा की तरफ जाते हुए ना देख कर सीमित हो जाते हैं कि बस योग शरीर के लिए है और शरीर के कार्य के लिए है और शरीर की मजबूती के लिए है। और आजकल तो हमारे योग के साथ बहुत लोगों ने, ईसाइयत ने प्रयास किया कि योगा को योगा बोल दिया जाए और प्राणायाम को, दूसरे शब्दों को रिदम की वो बोल दिया जाए और अनेकों शब्दों की ऐसी रचनाएं की कि हम ये समझने लगे कि ये योग हमारे लिए है, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ है या अभी वो योग की रचनाएं कर रहे हैं। जितना भी आप योग इस संसार के अंदर देख रहे, ये सब का सब योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है और ये मात्र शरीर को स्वस्थ करने के लिए नहीं है। जो आप योगासन करते हो, ये योगासन भी मात्र शरीर को स्वस्थ करने के लिए नहीं होते, ये मन को साधने के लिए होते हैं। बस इतना नहीं कि मन से विचार खत्म हो जाए या कुछ पल के लिए थोड़ी शांति मिल जाए, इतना सा लक्ष्य नहीं होता कि कुछ पल शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और बस काम अच्छे से होगा, संसारी कार्य अच्छे से करेंगे। लेकिन जो योग का लक्ष्य हमारे ऋषियों ने सोच समझ करके देखा और वर्णन किया, वो उस परमात्मा को जोड़ने के लिए है कि आपका जो प्रत्येक सांस है, प्रत्येक क्रिया है, कोई भी क्रिया कर रहे हो, किसी प्रकार का कुछ भी चल रहा हो इस संसार के अंदर, जो आप देख रहे हो सब संसार के अंदर कई प्रकार की अग्नियां हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर भिन्न भिन्न तत्वों से पैदा होती है, कोई लकड़ी को रगड़ करके पैदा करता है, कोई माचिस से जलाता है, कोई तेल के द्वारा उत्पन्न करता है, कोई लोहा घिसा करके उत्पन्न करता है, अनेकों अनेक प्रकार की। आजकल तो महात्मा लोग भी जादूगरों की तरह से व्यवहार करने लगे हैं कि कुछ केमिकल वगैरह रगड़ा और अग्नि उत्पन्न हो गई और सिद्ध बन गए। लेकिन महात्माओं का ये खेल नहीं है,